चारू असोपा को मिला नया शो। दंगल के इस शो में नजर आएंगी चारू। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चारू असोपा टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। चारू असोपा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। अब चारू को एक नया शो मिल गया है जिसकी वो शूटिंग करती नजर आ रही है। हाल ही में चारू असोपा ने एक व्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने अपना लुक रिवील किया। उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में भी बात की और बताया कि उनका मेकअप इतना लाउड इसलिए है क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है। अब चारू के इस सीरियल के बारे में फैंस जानने को बेताब थे कि आखिर चारू किस नए शो में नजर आने वाली है। तो आपको बता दें कि चारू असोपा दंगल टीवी के शो कैसा है ये रिश्ता अनजाना में नजर आ रही है। ये शो 26 जून से टेलीकास्ट हो रहा है जो कि मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे दंगल टीवी पर ऑन एयर होता है। इस शो में चारू असोपा मृदुला के कैरेक्टर में है जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है। चारू असोपा ने अपना लुक भी फैंस के साथ रिवील किया था और उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में भी बात की थी। चारू असोपा ने ये भी कहा था कि पहले वो शूटिंग आराम से किया करती थी पर अब उन्हें शूटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब उनकी एक छोटी बेटी है और उससे वो दूर नहीं रह पाती हैं। चारू असोपा ने ये दर्द भी शेयर किया था कि इतनी बारिश हो रही है और मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पा रही हूँ। चारू ने कहा था कि मैंने राजीव से मदद मांगी है क्योंकि मैं आज पूरे दिन उससे दूर रहूंगी तो कम से कम वो बेटी के साथ रहें। चारू ने अपने व्लॉग में इस बात का भी जिक्र किया था कि जब वो पहले वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी उस वक्त उन्हें एक प्राइवेट रूम मिला हुआ था जिसमें वो जियाना को भी लेकर जाती थी और उसके खिलौने और टॉयज वहाँ सेट कर देती थी। पर अब इस नए शो के लिए उन्हें रूम शेयर करना पड़ रहा है और उन्हें पता भी नहीं है कि वो अपनी बेटी को वहाँ कैसे ला सकती हैं। आपको बता दें कि चारू असोपा ने 8 जून को राजीव सेन से डिवोर्स ले लिया था। दोनों की डिवोर्स की चर्चाएं पिछले एक साल से चल रही थी और आखिरकार दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। पर शादी टूटने के बाद भी दोनों को अक्सर लवी डवी एक साथ होते देखा जा रहा है, यहाँ तक कि सेल्फी क्लिक कराते भी देखा जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर प्यार जताते भी देखा जा रहा है, जिससे फैंस इनके रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि क्या इनका रिश्ता शादी के वक्त टूटा हुआ था या शादी टूटने के बाद जुड़ गया है। फिलहाल चारू और राजीव को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में बिंदास हैं और वो वही करना चाहते हैं जो उनका मन करता है। फिलहाल आप चारू को दंगल टीवी के इस नए शो में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपको चारू का कैरेक्टर शो में पसंद आ रहा है, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।